स्वागत है आप सबका इंडियन फिल्म हिस्ट्री एंड न्यूज चैनल पर। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर जिन्होंने अपने रोल से लोगों के दिलों में जगह बनाई और फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनकर ना सिर्फ अपने बेटे ऋतिक रोशन को बल्कि फिल्म अभिनेता और अभिनेत्रियों को उन्होंने स्टार बनाया। 1970 में उन्होंने फिल्म घर घर की कहानी से कदम रखा और फिर एक्टिंग करते करते वो सफल डायरेक्टर्स की लिस्ट में शुमार हो गए। साल 1970 से 1989 तक राकेश रोशन फिल्मों में नजर आए, लेकिन इसी बीच उन्होंने डायरेक्शन में हाथ आजमाना चाहा, फिल्म डायरेक्ट की और फिर एक सफल डायरेक्टर बन गए। राकेश रोशन ने बतौर डायरेक्टर अपनी पहली फिल्म खुदगर्ज से डेब्यू किया था। ये फिल्म साल 1987 में आई थी। आप भी अगर फिल्मों के शौकीन हैं, तो क्या आपने ये नोटिस किया है, डायरेक्टर बन चुके राकेश रोशन की फिल्मों का नाम के से ही शुरू होता है। इसके पीछे की कहानी फिल्मी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में कई फिल्म निर्माताओं के अपने अंधविश्वास हैं। ऐसे कई लोग हैं जो महसूस करते हैं कि उनकी फिल्में जब एक निश्चित तारीख पर शुरू या रिलीज होती है तो वो हिट या सुपरहिट साबित होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी फिल्म के टाइटल में एक निश्चित अक्षर के प्रति लगाव होता है। कुछ ऐसे ही राकेश रोशन के साथ भी है। राकेश रोशन 1984 में आई फिल्म जाग उठा इंसान में बिजी थे। उस समय उनके एक फैन ने उन्हें एक लेटर भेजा था जिसमें उन्हें अपनी सभी फिल्मों के नाम के अक्षर से शुरू करने की सलाह दी गई थी। हालांकि तब उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद साल 1986 में भगवान दादा रिलीज हुई और वो भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। तब राकेश रोशन को लेटर पर लिखी बात कुछ सही लगी, क्योंकि उनकी फिल्म खट्टा मीठा जैसी उनकी फिल्में हिट रही जिसके नाम के से शुरू होते थे। राकेश रोशन ने अपने उस फैन की सलाह को मानने से पहले इसे आजमाने का सोचा। इसके बाद 1987 में फिल्म आई खुदगर्ज जो सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो अपनी फिल्मों से के अक्षर को जुदा नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने फिल्म खून भरी मांग, काला बाजार, किशन कन्हैया, करण अर्जुन, कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, क्रिश और क्रिश 3 जैसी फिल्में बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाल दिखाती नजर आईं। ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात, डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।